मेरे क्वेश्चन का जवाब देंगी सीईओ एंड को फाउंडर ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स मिस विनीता सिंह. थैंक यू मैम. बिजनेस और फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस क्लियर हो गया. अब शार्क टैंक पे थोड़ा जानते हैं लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है विस्तार में. सो लीगल ड्यू डिलिजेंस में जनरली तीन चीजें होती है. एक है सारे अग्रीमेंट्स. सो आपके अगर कोई पुराने राउंड है शेयर होल्डर अग्रीमेंट्स, आपने जो अपने एम्प्लॉयज के साथ अग्रीमेंट्स किए हैं, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स विद वेंडर, ये सारा जो आपका अग्रीमेंट्स रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है ये सारा जगह पे है. क्योंकि एक बहुत बड़ी लीगल रिस्क आ सकती है कंपनी पे अगर वो वर्बल अग्रीमेंट्स के बेसिस पे धंधा चला रहा है, राइट. सो फर्स्ट सेट वो होता है. सेकेंड है कंप्लायंस. सो कंप्लायंस मतलब जो गवर्नमेंट के लॉज हैं अराउंड जीएसटी, अराउंड टीडीएस, अराउंड पीएफ, ईएसआईसी, ये सब में आप कंप्लायंट हैं कि नहीं. आपकी जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है उसमें कंपनी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट लिमिटेड है कि नहीं, आप एनुअल टैक्स फाइलिंग कर रहे हैं कि नहीं. तो वो सारे जो होते हैं वो कंप्लायंस बकेट में आते हैं. बिकॉज इंडिया में एक्चुअली अगर नॉन कंप्लायंट है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस भी हो सकता है. एंड एज इन्वेस्टर्स हमें भी इम्पैक्ट आ सकता है अगर आपका कुछ नॉन कंप्लायंस है. और तीसरा है स्पेसिफिक केसेस जहां कहीं पैटेंट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ट्रेडमार्क्स, हम ये सारा भी वेरीफाई करते हैं. तो जनरली ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं. देखा आधी से ज्यादा चीजें नहीं पता थी, फायदा हो जाता है. मैं अच्छे सवाल पूछता हूँ, मेरी भी सुन लिया करो कभी कभी. पर खैर, आपसे मिलेंगे अगले आज शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन. थैंक यू सो मच मैम फॉर सच डिटेल्ड आंसर्स. थैंक यू. थैंक यू.